तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है, नए ब्लॉग पे स्वागत है। और आज का संडे का दिन है और आज सुबह के बज रहे हैं 6:30। और अभी मैं हर दिन की तरह आज भी टहलने के लिए आया था और टहल के मैं वापस घर जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि आज का मेरा क्या एक्टिविटीज़ रहने वाला है। एक्चुअली मैं हर संडे को मैं फतेहपुर जाता हूँ, लेकिन इस संडे को फतेहपुर कैंसिल, तो वहाँ फतेहपुर में नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए आज का जो मेरा एक्टिविटीज़ रहने वाला, आज का जो ब्लॉग रहने वाला है, तो वो मैं पहला काम है मेरा दाढ़ी वाढ़ी सेट करवाना है, बाल वगैरह कटवाना है। उसके बाद मुझे बाराबंकी जाना है। ऑफिस में जो मेरी चेयर है, उस चेयर पर दो तावल लेनी है मुझे, उस पर डालने के लिए, क्योंकि अब ठंडी आ चुकी है, उसमें बैठो तो थोड़ा ठंड लगता है, इसलिए तावल लेके डाल दूंगा तो बैठने में कंफर्टेबल होगा। तो आज मैं विशाल मेगा मॉल जाने वाला हूँ बाराबंकी में, और आपको विशाल मेगा मॉल का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। चैनल को भी आपने अगर सब्सक्राइब भी नहीं करा ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं दाढ़ी वाढ़ी सेट करवा के रेडी होकर घर से निकल चुका हूँ और समय हो चुका है 11:30 बज चुके हैं। और अब मैं सीधा जा रहा हूँ बाराबंकी में काम निपटाने के बाद विशाल मेगा मॉल भी घूमना है और आप लोगों को आज का वहाँ का पूरा व्यू भी दिखाना है। चलिए दोस्तों, सीधा बाराबंकी के लिए निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं विशाल मेगा मॉल पहुंच चुका हूं। जैसा आप देख सकते हो हमारे पीछे, ये देखो विशाल मेगा मॉल है। और चलिए दोस्तों, सीधा अंदर चलते हैं और मॉल में जो भी मुझे परचेज़ करना है वो सारी चीज़ें मैं लेता हूं। और उसके बाद भी मैं सीधा ऑफिस के लिए निकलूंगा, क्योंकि मुझे सीधा ऑफिस जाना है। चलिए पहले शॉपिंग कर लेते हैं और उसके बाद सीधा ऑफिस चलते हैं।
तो फाइनली दोस्तों मैं भी जस्ट बारामकी से वापस ऑफिस आ चुका हूँ और मैंने बारामकी से विशाल से क्या लिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने विशाल से जो लिया उस थैले के अंदर है वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो बताया था मैं मुझे तावल लेना था तो मैंने एक ये एक ही कलर के दोनों तावल लिए हैं चेयर पे डालने के लिए और एक ये दोनों तावल फिलहाल मैंने लिए हैं। और चलिए मैं आपको इन तावलों को चेयर पे डाल के दिखाता हूँ कैसा दिखता है, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको। तो फाइनली दोस्तों मैंने दोनों तावल अपने दोनों चेयर पे डाल दिया है। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। दोस्तों विशाल में मैंने क्या शॉपिंग करा वो मैंने आपको बता ही दिया, वो मैंने आपको दिखा भी दिया और पीछे आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी चेयर लग रही है। अब मैं जिस पे बैठा हूँ उस पे तावल पड़ी हुई है। तो यही दो चीज़ें मुझे आज लेना था जो मैंने परचेज़ कर लिया, क्योंकि फिलहाल और कुछ चीज़ें तो भी लेना नहीं था, तो इसी वजह से दो तावल ही लेनी थी जो इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए इस टाइम, तो वो मैंने ले लिया। वो डाल के भी मैंने आपको दिखा भी दिया, आई होप आप सभी को भी पसंद आया होगा। और अभी समय हो चुका है 3:30 बज चुका है और मैं अभी 10 मिनट पहले ऑफिस पहुँचा हूँ और आज मैं 5:30 से 6 बजे तक फिलहाल ऑफिस में ही रुकने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ 1.5 से 2 घंटा का समय मैं फिलहाल ऑफिस में ही रहूँगा, क्योंकि मुझे जो काम मेरा थोड़ा पेंडिंग था उस काम को भी मैं क्लियर करता हूँ और उसके बाद भी मैं 5:30 या 6 बजे के बाद ही मैं घर निकलूँगा। तब तक फिलहाल मैं काम खत्म करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं आधे घंटे पहले घर आ गया था और अब समय हो रहा है 8:30 बजे मैं घर आ गया था। और आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया है। अगर आज का ये ब्लॉग पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो ना इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। और चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक कि जय हिंद टाटा।